नमस्कार, मैं हूं नेहा साहिन। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 21 अगस्त, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 10वीं और 12वीं पास युवाओं के लिए खुशखबरी। बिहार के 6 उत्पादों को GI टैग दिलाने की चल रही कवायद। आज भारत बंद, जानिए क्या रहेगा खुला और क्या रहेगा बंद। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर होगा ड्रोन फ्लाइंग कंपटीशन। बिहार के गांव में विलेज प्रीमियर लीग का होगा आयोजन। एक ही फोन में चलाए 2 व्हाट्सएप। क्रिकेटर युवराज सिंह पर बनेगी बायोपिक। अब खबरें विस्तार से। बिरहन मुंबई नगर पालिका ने एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के पदों पर बंपर भर्ती निकाली है। आवेदन की प्रक्रिया बीते दिनों से शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख है 9 सितंबर 2024। इसके लिए जरूरी है कि आपने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक किया हो और आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम और अधिकतम आयु 38 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इस भर्ती के लिए आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को निर्धारित ₹1,000 शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। वहीं आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों के लिए शुल्क ₹900 है। इच्छुक उम्मीदवार BMC के आधिकारिक वेबसाइट portal.mcgm.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इसके अधिसूचना को भी देख सकते हैं। बिहार के 6 उत्पादों को GI टैग दिलाने की चल रही है कवायद। हमारे देश की धरोहर और सांस्कृतिक विविधता की पहचान को वैश्विक मंच पर लाने का एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। बिहार के आधा दर्जन प्रसिद्ध उत्पादों को जल्द ही GI टैग मिल सकता है। इसके लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने मार्च 2022 से मई 2022 के बीच विभिन्न उत्पादों को GI टैग दिलाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। प्रारंभिक सुनवाई इस साल फरवरी में ऑनलाइन की गई थी और अब अंतिम प्रक्रिया के तहत ऑफलाइन सुनवाई की जाएगी। अगर सब कुछ सही रहा तो गया के तिलकुट और पत्थलकट्टी, हाजीपुर के केले, नालंदा के 52 बूटी, उद्वंत नगर की खुरमा और सीतामढ़ी की बालूशाही को जल्द ही GI टैग मिल सकता है। बताते चले कि GI टैग एक ऐसा दर्जा है जो विशेष रूप से किसी विशेष क्षेत्र के संबंधित उत्पाद को दिया जाता है। मलेरिया को लेकर चलाया जाएगा विशेष अभियान। राज्य के 9 जिलों को मलेरिया के अधिक प्रभावित क्षेत्रों की श्रेणी में रखा गया है। इनमें पटना, गया, नवादा, औरंगाबाद, भागलपुर, कैमूर, जमुई, मुंगेर, मुजफ्फरपुर और रोहतास शामिल है। हालांकि इस साल अब तक इन जिलों में मलेरिया के मामले कम पाए गए हैं, फिर भी स्वास्थ्य विभाग सतर्क है और लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष जागरूकता अभियान शुरू करने जा रहा है। इस अभियान की स्वीकृति स्वास्थ्य मंत्री द्वारा दी जाएगी और ये जल्द ही प्रारंभ होगा। अभियान के दौरान इन 9 जिलों का आकलन किया जाएगा ताकि ये पता चल सके कि मलेरिया के मामलों में कमी की वजह क्या है। अब घर बैठे बिजली मीटर का होगा रिचार्ज। अब आपको स्मार्ट बिजली मीटर के रिचार्ज के लिए भाग दौड़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आप खुद से मीटर रिचार्ज नहीं कर पाएंगे तो आपकी सुविधा के लिए बिजली कंपनी के प्रतिनिधि आपके दरवाजे तक पहुंचेंगे। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में इस सुविधा को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी हर गांव में एक प्रतिनिधि नियुक्त करेगी जो मीटर रिचार्ज के साथ साथ उसका भौतिक सत्यापन भी करेंगे। ये प्रतिनिधि कंपनी द्वारा चयनित एजेंसी के माध्यम से नियुक्त किए जाएंगे और हर 3 महीने में मीटर की स्थिति की रिपोर्ट कंपनी को देंगे। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक महेंद्र कुमार ने इस योजना के बारे में कहा कि एजेंसी के माध्यम से प्रतिनिधि बहाल करने की प्रक्रिया जारी है। 2 से 3 महीने में सभी प्रक्रिया पूरी हो जाएंगी। आज हम बिहार बर्थडे स्पेशल में बात करेंगे दामोदर राव के बारे में। दामोदर राव का जन्म 21 अगस्त 1977 को बिहार के बेतिया जिले के नरकटियागंज शहर के ग्राम मल्दी टोला में हुआ था। ये एक भारतीय गायक, संगीतकार और अभिनेता हैं। इन्हें भोजपुरी के सर्वश्रेष्ठ संगीतकारों में जाना जाता है। दामोदर राव ने लगभग 100 से ज्यादा फिल्मों में अपना संगीत दिया है जिसमें विभिन्न भाषा शामिल है जैसे हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, हरियाणवी, पंजाबी आदि। दामोदर राव ने बहुत सारे एल्बम विभिन्न भाषाओं में किए हैं। काफी एल्बमों में ये खुद गाए भी हैं और अभिनय भी किए हैं। इनका एक गाना भारत को बचाना होगा, मोदी को लाना ही होगा काफी प्रसिद्ध हुआ गा। 10वीं और 12वीं पास युवाओं के लिए खुशखबरी।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत बिहार के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अब शॉर्ट टर्म कोर्स शुरू होंगे। ये योजना उन छात्रों के लिए है जो 10वीं और 12वीं कक्षा पास करने के बाद लंबे समय के लिए आईटीआई में प्रशिक्षण नहीं ले सकते हैं। इन शॉर्ट टर्म कोर्सों की खासियत ये है कि इन्हें पूरा करने के बाद युवाओं को तुरंत रोजगार मिलने की संभावना है। कोर्स समाप्त होने के बाद उन्हें सीधे कंपनियों में अप्रेंटिसशिप के लिए भेजा जाएगा, जिससे उनके रोजगार के अवसर सुनिश्चित हो जाएंगे। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने बिहार सरकार से 2 दर्जन आईटीआई के प्रस्ताव की मांग की है, जिनका चयन अगले 5 वर्षों में अपग्रेड किया जाएगा। बिहार में शुरू हुआ जमीन सर्वेक्षण, सौ घोषणा जरूरी। बिहार में जमीन सर्वेक्षण का काम शुरू हो गया है। राजस्व भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने कहा कि जमीन सर्वे की पूरी प्रक्रिया सर्वे एक्ट के नियमावली के मुताबिक होगी। सबसे पहले लोगों को अपनी जमीन की सौ घोषणा करनी होगी, सेल्फ डिक्लेरेशन कराना होगा। जिस जमीन का वे दावा कर रहे हैं वे उनकी खुद की है या पुश्तैनी है या कोर्ट के आदेश के बाद मिली है। जमीन कैसे मिली है ये बताना होगा, जिसके बाद फील्ड में विभाग की ओर से वेरिफिकेशन होगा। उसमें अगर सभी चीजें संतोषजनक पाई जाएंगी तो फिर इनका नाम रिकॉर्ड ऑफ राइट में दर्ज होगा। इसके लिए विभाग की ओर से सभी गाँव में ग्राम सभा होंगी, जिसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। एक ही फोन में चलाएं 2 WhatsApp। एक ही फोन में 2 WhatsApp चलाने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन के डिवाइस सेटिंग्स में जाना होगा, फिर आपको स्क्रॉल डाउन करना होगा और ऐप्स पर जाना होगा। जब आप ऐप्स पर क्लिक कर देंगे तो आपको डबल ऐप्स का विकल्प मिलेगा, इस पर टैप कर दें। फिर आपको क्रिएट पर टैप करना है, इसके बाद डबल ऐप सपोर्टेड ऐप्स में से व्हाट्सएप को सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद डबल ऐप्स के आगे टगल ऑन कर देना होगा और थोड़ा इंतजार करना होगा। फिर आपको ऐप लॉन्चर पर जाना होगा, फिर डबल ऐप आइकन वाले व्हाट्सएप पर जाना होगा। तो इस तरीके से आप एक ही फ़ोन में 2 WhatsApp चला सकते हैं। राज्यसभा में NPR कैमरों से बढ़ाई जाएगी चालान की सीमा। अब राज्य भर में NPR कैमरे से चालान का दायरा बढ़ाया जाएगा और ओवरलोडिंग, ओवरटेकिंग और ओवर स्पीडिंग करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी जिलों के ट्रैफिक SP को इन नियमों के पालन के लिए निर्देशित किया गया है। विशेष रूप से रैश ड्राइविंग और ओवर स्पीडिंग के मामले में अब सीधे ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। मॉडिफाइड गाड़ियों पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के धारा 184 के तहत खतरनाक ड्राइविंग पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना या 6 माह से 12 माह तक की जेल, दोहराए जाने पर जुर्माना बढ़कर 10,000 रुपये या 2 वर्ष तक की सजा हो सकती है। सीएम नीतीश कुमार ने बुद्ध स्तूप का किया निरीक्षण। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली जिले के वैशालीगढ़ में निर्माणाधीन बुद्ध सम्यक दर्शन सह बुद्ध स्मृति स्तूप का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की और इसे शीघ्र पूरा कराने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से बुद्ध स्तूप के भूतल और प्रथम तल का अवलोकन भी किया और पुस्तकालय तथा ध्यान कक्ष की व्यवस्थाओं की भी जानकारी प्राप्त की। इस दौरान भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने कहा कि निर्माण कार्य लगभग 80% पूरा हो चुका है और बचे हुए काम को 2 माह में पूर्ण कर लिया जाएगा। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर होगा ड्रोन फ्लाइंग कंपटीशन। इस बार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के मौके पर श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन 22 और 23 अगस्त को होगा। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के रूप में MIT यूनिवर्सिटी पटना के वाइस चांसलर डॉक्टर विवेकानंद पांडे शिरकत करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत 22 अगस्त को एक विशेष फिल्म शो से होगी, जिसमें इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के विकास पर आधारित आधे घंटे की फिल्म दिखाई जाएगी। वही 23 अगस्त को एक पोस्टर प्रेजेंटेशन प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें 6ठी से 10वीं कक्षा के छात्र 2 विषयों फ्यूचर इंडियन स्पेस प्रोग्राम और इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन पर अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। बिहार के एक्टर संजय मिश्रा निभाएंगे विजय राज की भूमिका।
सन अफसरदार 2 को लेकर कुछ महत्वपूर्ण अपडेट सामने आए हैं। फिल्म की कास्टिंग में हाल ही में बड़ा बदलाव किया गया है। बता दें कि बिहार के बॉलीवुड एक्टर संजय मिश्रा इस फिल्म में विजय राज की भूमिका में नजर आएंगे। विजय राज ने हाल ही में खुलासा किया था कि फिल्म से उनकी छुट्टी के पीछे अजय देवगन के साथ हुई एक गलतफहमी थी। वही इसी बीच संजय मिश्रा ने अजय देवगन के साथ अपने गहरे और भावनात्मक रिश्ते पर बात की है। उन्होंने कहा कि अजय देवगन ने उनके परिवार के कठिन समय में उनका समर्थन किया और वे हमेशा एक दूसरे के लिए मौजूद रहते हैं। संजय मिश्रा ने इस दोस्ती को फिल्म प्रोजेक्ट से ज्यादा महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि अजय देवगन एक कॉल पर वे हमेशा उपलब्ध रहते हैं। बिहार के गांव में विलेज प्रीमियर लीग का होगा आयोजन। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन विलेज प्रीमियर लीग का आयोजन करेगा। इसमें ग्रामीण स्तर पर महिला और पुरुष भाग ले सकते हैं। इस लीग के आयोजन के लिए तारीख जल्द ही निर्धारित की जाएगी। इस लीग के संचालन के लिए राजेश को संयोजक बनाया गया है। बता दें ये लीग बिहार क्रिकेट पहचान को एक नई ऊंचाई देगा। इसके अलावा बीसीए ने यह भी बताया है कि जिलों को टर्फ विकेट निर्माण के लिए 5 लाख रुपए और सभी जिला संघों को क्रिकेट संचालन में आने वाले अलग अलग खर्चों के लिए हर साल 1,20,000 रुपए दिया जाएगा। अब तक कुल 7 जिलों के द्वारा जरूरी कागजात ऑफिस में दिए जाने की पुष्टि हुई है। अन्य सभी जिलों को भी टर्फ विकेट युक्त मैदान बनाने के लिए सभी कागजात ऑफिस में जमा करने का निर्देश दिया गया है। बाल श्रमिकों को रिहा करने के लिए चलेगा विशेष अभियान। बच्चों के अधिकारों की रक्षा और बाल श्रम को समाप्त करने की दिशा में राज्य सरकार ने एक नई पहल की है। श्रम संसाधन विभाग ने बाल श्रमिकों को मुक्त कराने के लिए जिलों में विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इस अभियान की निगरानी जिलाधिकारी करेंगे और इसे सफल बनाने के लिए अभिभावकों की काउंसलिंग और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता अभियान को भी बढ़ावा दिया जाएगा। पहले भी इस दिशा में प्रयास किए गए थे, लेकिन अधिकारियों की सुस्ती के कारण अभियान की गति धीमी पड़ गई थी। अब विभाग ने एक बार फिर से सक्रियता दिखाई है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार अब तक 1,963 बच्चों को बाल श्रम के कुचक्र से मुक्त कराया गया है। भारत बंद को मिला आरजेडी का समर्थन। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने भारत बंद का ऐलान किया है। इस दौरान तमाम दलित संगठन सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। बता दें कि पटना के महेंद्रू के अंबेडकर छात्रावास से छात्रों का मार्च शुरू होगा। पीरबहोर गांधी मैदान एग्जीबिशन रोड होते हुए पटना जंक्शन तक ये मार्च निकाला जाएगा। यहाँ रेल चक्का जाम किया जाएगा। बता दें कि बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी ने भी इसका समर्थन किया है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह ने कहा कि ये केंद्र की तानाशाह सरकार के खिलाफ विपक्ष का बिगुल होगा। आखिर भारत क्यों है बंद? बता दें कि दलित संगठनों की मांग है कि SC ST में वर्गीकरण बंद हो, SC ST के आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाला जाए, कॉलेजियम सिस्टम बंद हो, साथ ही निजी क्षेत्र और न्यायपालिका में आरक्षण और पूरे भारत में जातीय जनगणना कराए जाने की मांग को लेकर आज भारत बंद है। भारत बंद का व्यापक असर परिवहन सेवाओं पर अधिक देखने को मिल सकता है। अस्पताल और एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाएं चालू रहेंगी, लिहाजा घर से बाहर निकलने से पहले आम लोगों को सतर्क रहना होगा। बिहार बोर्ड इंटर में स्पॉट नामांकन की अंतिम तिथि बढ़ी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर सत्र 2024-26 के स्पॉट नामांकन की तिथि में बढ़ोतरी की है। पहले नामांकन की अंतिम तिथि 12 से 17 अगस्त तक निर्धारित की गई थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। अब 22 अगस्त तक कर दिया गया है। इस नए अवसर का लाभ उठाते हुए जो छात्र अब तक नामांकन से वंचित रह गए थे, वे OFSS के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। स्पॉट नामांकन उन खाली सीटों पर किया जाएगा जो पहले से ही रिजर्व नहीं की गई है। CBSE, CIS, CBSE, CIS समेत अन्य सभी बोर्डों से उत्तीर्ण विद्यार्थी भी इस स्पॉट नामांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। 18 से 22 सितंबर तक सरस मेला का उठाएं लुत्फ। जीविका द्वारा आयोजित सरस मेला इस साल 18 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। ये मेला 10 दिनों तक चलेगा और इसका समापन 27 सितंबर को होगा। इस बार यह मेला पटना के ज्ञान भवन में आयोजित किया जाएगा। इस मेले में राज्य के सभी जिलों के साथ साथ अन्य राज्यों की संस्थाओं के भी स्टॉल लगाए जाएंगे। इस साल करीब 300 स्टॉल लगाए जाएंगे, जिनमें कपड़े क्राफ्ट के सामान के साथ साथ खाने पीने के स्टॉल भी होंगे। जीविका कार्यक्रम की समन्वयक महुआ राय चौधरी ने बताया कि मेले की तैयारी पूरी हो चुकी है और स्टॉल बुकिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इस मेले में स्थानीय और बाहरी संस्थाओं की शानदार प्रदर्शनी देखने को मिल रही है।
आज बिहार के 11 जिलों में बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग केंद्र पटना ने बारिश को लेकर पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग ने आज 11 जिलों में धुआंधार बारिश की संभावना जताई है। बता दें कि आज अरवल, पटना, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, जमुई और बांका में भारी बारिश का अलर्ट है। आज मौसम का अधिकतम तापमान 32 से 34 और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। राजस्व कर्मचारी को डीएम ने किया सस्पेंड। भोजपुर के कोइलवर अंचल से एक चौंकाने वाली खबर आई है। हाल ही में राजस्व कर्मचारी अनिल कुमार का शराब पीते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिससे मामला तूल पकड़ लिया है। जिलाधिकारी राजकुमार ने इस गंभीर लापरवाही को देखते हुए अनिल कुमार को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। निलंबन की अवधि के दौरान उन्हें सहार अंचल कार्यालय में पदस्थापित किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि सरकारी सेवकों को अपने आचरण में पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। बिहार के पायलट बाबा का निधन। पायलट बाबा का बीते दिन निधन हो गया। उन्होंने अंतिम सांस मुंबई के एक अस्पताल में ली, जिससे जूना अखाड़े सहित समस्त संत समाज अखाड़े में शोक की लहर है। बता दें कि पायलट बाबा मूल रूप से बिहार के रोहतास के रहने वाले हैं। पायलट बाबा ने 1962 में भारत चीन युद्ध में भाग लिया था। इसके अलावा उन्होंने 1965 और 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भी लड़ाई लड़ी थी। भारतीय वायुसेना में अपनी सेवा के दौरान उन्हें कई पदकों से भी नवाजा जा चुका है। जमीन सर्वे पर क्या बोले लेसी सिंह। बिहार में 20 तारीख से शुरू हुए भूमि सर्वे को लेकर राज्य सरकार ने अपनी सक्रियता दिखाई है। खाद्य उपभोक्ता मंत्री लेसी सिंह ने इस पहल की जमकर तारीफ की। उनका कहना है कि इस भूमि सर्वे के माध्यम से बिहार के सभी जमींदारों और किसानों को स्वामित्व का अधिकार मिलेगा। मंत्री लेसी सिंह ने विपक्ष पर भी कटाक्ष किया, कहा कि सरकार की हर पहल को गलत बताना विपक्ष की आदत बन गई है। साथ ही कोलकाता में हाल ही में घटित हुई घटना पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। लेसी सिंह ने केंद्र सरकार से इस मामले पर सख्त कानून बनाने की मांग की है, ताकि ऐसी घटनाएं भविष्य में ना हो। लेटरल एंट्री वापस लिए जाने पर मनोज झा ने क्या कहा। यूपीएससी में 45 पदों पर लेटरल एंट्री यानी सीधी भर्ती के जरिए सरकारी पदों को भरे जाने के लिए निकाली गई वैकेंसी के विरोध के बाद केंद्र सरकार ने इसे वापस ले लिया है। सरकार ने यूपीएससी को इस विज्ञापन को रद्द करने का निर्देश दिया है। सरकार के इस फैसले पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने पोस्ट कर उन लोगों को बधाई दी जो संविधान के साथ खड़े हैं। साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव की तारीफ करते हुए कहा कि हमारी पार्टी के नेता तेजस्वी यादव ने इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया था, यही वजह है कि सरकार को इस पर से पीछे हटना पड़ा। क्रिकेटर युवराज सिंह पर बनेगी बायोपिक। भारतीय क्रिकेट के दिग्गज युवराज सिंह की जिंदगी पर एक बड़ी फिल्म बनने जा रही है। इस फिल्म का निर्माण भूषण कुमार और रवि भगचंदगा द्वारा किया जाएगा। फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। युवराज सिंह अपनी बायोपिक के बारे में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं। मेरी कहानी दुनिया भर में लाखों प्रशंसकों को दिखाई जाएगी। क्रिकेट मेरे लिए सबसे बड़ा प्यार और सभी उतार चढ़ाव के दौरान ताकत का स्रोत रहा है। मुझे उम्मीद है कि फिल्म दूसरों को अपनी चुनौतियों से उबरने और अटूट जुनून के साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करेगी। आपके अनुसार युवराज सिंह की छवि अब किस क्रिकेटर में देखने को मिलती है? कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज ही के दिन सन 1828 में राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज के पहले सत्र का आयोजन कोलकाता में संपन्न हुआ। आज ही के दिन 1897 में रोनाल्ड रॉस ने कोलकाता के प्रेसिडेंसी जनरल हॉस्पिटल में काम करने के दौरान मलेरिया के कारक एनफ्लिज मच्छर की पहचान की। आज ही के दिन सन 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के 23 दिनों के अंदर ही इस्तीफा दिया। आज ही के दिन भारत और नेपाल में 6.5 की तीव्रता वाले भूकंप में 1000 लोगों की मौत हुई। आज ही के दिन 2008 में भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध कलाकार अरुणा साई राम को अमेरिका में विशिष्ट सम्मान से नवाजा गया। स्मार्ट वॉच खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो रखें इन बातों का ख्याल। स्मार्ट वॉच खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो रखें इन बातों का ख्याल। हम आपको 10 ऐसी बातें बताएंगे जिनका ख्याल आपको स्मार्ट वॉच खरीदते समय रखना चाहिए।
कंपैटिबिलिटी का ध्यान रखना चाहिए। कहने का मतलब आपके पास आईफोन है तो आपको एप्पल वॉच लेनी चाहिए, अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो आपके लिए मार्केट में कई सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे। स्मार्ट वॉच का डिस्प्ले कम से कम HD और अधिक ब्राइट होनी चाहिए। बैटरी लाइफ 5 दिनों से कम का नहीं होना चाहिए। फीचर्स का ध्यान रखें। यदि आप फिटनेस के शौकीन हैं तो ऐसी स्मार्ट वॉच का चयन करें जिसमें विभिन्न खेलों और फिटनेस गतिविधियों के लिए ट्रैकिंग सुविधाएं हों। इसके अलावा सॉफ्टवेयर और एप्स, डिजाइन और कंफर्ट, वाटर रेजिस्टेंस, प्राइस, ब्रांड और वारंटी का ध्यान रखें। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1916, ऑप्शन बी है 1917, ऑप्शन सी है 1918, ऑप्शन डी है 1921। इसका सही आंसर होगा 1916। बिहार की जीवन रेखा कौन सी नदी मानी जाती है? ऑप्शन ए है यमुना, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी है नर्मदा। इसका सही आंसर होगा बी, गंगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 18 अगस्त को भारतीय तटरक्षक बल के समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? ऑप्शन ए है चेन्नई, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है असम और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा चेन्नई। भारत और किस देश के बीच 16 अगस्त से यात्री नौका सेवा फिर से शुरू हुई है? ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है मालदीव। इसका सही आंसर होगा श्रीलंका। हाल ही में आनंद महिंद्रा को कहां स्थापित यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है जयपुर। इसका सही आंसर होगा तेलंगाना। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लेकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया है उनके नाम है नूनू गोलू, संजीव कुमार, विकास दास, विनय कुमार, जितेंद्र कुमार, छोटू राजा, मोतीलाल कुमार, कस्तूरी शर्मा, राजकिशोर महतो, सादुल्लाह पलवी, उमेश ऋषिदेव, राकेश मिश्रा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, हो रहे जमीन सर्वे से बिहार के जनता को फायदा है या नहीं है? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पेज से हमें देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।